प्लामू मेनिनगर शाहपुर किला परिसर से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्लामू जिला तदर समिति की बैठक जिला संयोजक प्रताप तिर्की की अध्यक्षता में चैनपुर प्रखंड स्तरीय समिति गठन को लेकर किया गया। बैठक में जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो, सदस्य अजय सिंह चेरो, सिरिल टोपो, बसरिया पंचायत के मुखिया नीतीश कुमार सिंह चेरो के अलावा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से उपस्थित समाज सेवियों के समक्ष श्री तिर्की ने कहा कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के माध्यम से प्लामू प्रमंडल के सभी वर्ग के आदिवासियों को एक मंच पर लाना है। हक, अधिकार, मान सम्मान, भाषा, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर पर बाहरी ताकतों ने हमला कर असंवैधानिक तरीकों से कब्जा कर लिया है और अनेकानेक षड्यंत्रों से आदिवासियों को समाप्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे हम सभी आदिवासियों का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। जिस संपूर्ण भारत देश पर हम आदिवासियों का मालिकाना अधिपत्य था, इसी भारत देश में आज छली कपटी षड्यंत्रकारी लोग मालिक बन बैठे हैं, जबकि हम आदिवासी पूरे झारखंड प्रदेश में 32 जाति के लोग बहुसंख्यक रूप से हैं। आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची कानून पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए, पर आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। कारण, हम आदिवासियों को अलग अलग जातियों में विभाजित कर कमजोर किया गया, इसलिए सभी को जाति भेदभाव भूलकर आदिवासी समुदाय के रूप में एक मंच पर आने की जरूरत है। उपस्थित सदस्यों ने भी अपने अपने बहुमूल्य विचारों को रखा और एक मत से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के मंच पर आने का निर्णय लिया। प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन पर सबों की सहमति बनी। महासभा की अगली बैठक 25 सितंबर दिन रविवार 11 बजे से सहोदय उच्च विद्यालय शाहपुर में सुनिश्चित किया गया, जिसमें बृहद रूप से प्रचार प्रसार करते हुए आगामी बैठक में प्रखंडवार अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति में प्रखंड कमेटी गठन की सुनिश्चित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। आइए देखते हैं शाहपुर किले से बैठक की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह के साथ। जोहार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं मेदिनी नगर के शाहपुर किला स्थित राजा मेदिनी राय जी का ऐतिहासिक शाहपुर किला के पास, जहां पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले ये दूसरी बैठक की गई है। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज के इस बैठक में क्या कुछ रणनीति अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों ने लिया है। आइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी महान पुरुषों का अमर रहे का नारा के साथ आज का ये बैठक आदिवासी एकता की समाप्ति की घोषणा की गई है। इसके बाद मैं यहाँ के उपस्थित सभी सदस्यों से भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आज का इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा है। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा, चूंकि एक महिला यहाँ पर उपस्थित है, और मैं जानना चाहूंगा मैम, आप अपना परिचय के साथ बताएंगे कि आज अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की जो दूसरी बैठक रखी गई है, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मैं बिरसा नगर हाउसिंग समिति की सचिव शीला कुजूर बिरसा नगर की निवासी हूँ। आज विश्व आदिवासी महासंघ का, आदिवासी अखिल भारतीय महासंघ का जो निर्णय हुआ है कि हम सारे आदिवासी एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ को सरकार की तक लाएं, राजनीतिक तौर तक लेकर आएं, और हम महिलाओं को जागृत होने के लिए सबसे पहल किया जाए कि महिलाएं जागृत हों कि हम आदिवासी हैं। भले ही हम अलग अलग धर्म को मान रहे हैं, अलग अलग जातियाँ हमारे अलग अलग गोत्र हैं, लेकिन हम आदिवासी हैं। संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी आस्था को माने, लेकिन हम उस आदिवासियत को न खोएं, उस आदिवासियत को न खोएं, और उस आदिवासियत को हमको पकड़े रहना है और अपने अधिकार को अपने अधिकार के लिए जागृत रहना है। यही बात आज की मीटिंग में हुई और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। आज आप अकेली महिला आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं, आप अन्य महिलाओं के लिए जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस बैठक से? इस बैठक से महिलाओं को मैं संदेश देना चाहती हूं कि हमें पहले कहा जाता है ना कि शिक्षा का पहला टीचर होता है माता पिता, माँ होती है, उसी तरह हमें भी अपने आप को, महिलाओं को बताना है बच्चों को कि हम आदिवासी हैं,
हमें अपनी आदिवासियतों को खोना नहीं है। अगर हम खो देते हैं अपनी आदिवासियत को दूसरे के बहकावे में आकर कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानो, उसकी पूजा करो, उसकी ये तो संविधान अधिकार दी ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि अपने जगह पूजा पाठ आस्था अपनी जगह है, लेकिन हमारी आदिवासी जो धरोहर है वो हमारी धरोहर है, उसको हमको बचा के रखना है। ये माँ बाप को, माँ को विशेषकर, माँ को, महिलाओं को, बच्चों को सिखाना है, बताना है, ताकि महिलाओं द्वारा भी इस आदिवासी अखिल भारतीय जो हमारी मांगे हैं वो बृहत रूप से आने पाए। मैं जानने का प्रयास करूँगा हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला सह संयोजक प्रताप तिर्की जी उपस्थित हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, आज की जो बैठक है, आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्या अगली बैठक में महिलाओं की संख्या दिखेगी? आने वाले समय में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक की शुरुआत पलामू जिला में है और ये दूसरी बैठक है, और इस बैठक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं अपने धर्म जाति से ऊपर उठ करके सभी आदिवासियों को एकजुट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे आदिवासी लोग एक मंच पर आएंगे और इसकी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और इस बैठक में आज हम लोगों की जो है आदिवासियों का चेरो खेरवार उराव मुंडा जितने भी जाति के लोग हैं खासकर पलामू जिला में, सभी लोगों को एक मंच में लाने का, और आज जो है प्रखंड कमेटी की चुनाव होना था लेकिन समय का अभाव और अभी बहुत सारे लोगों को हम लोग नहीं जोड़ पाए हैं और इसीलिए जो है हम लोग आज प्रखंड कमेटी की बैठक नहीं कर पाए हैं। प्रखंड कमेटी की बैठक में बहुत सारे लोगों को सदस्य के रूप में बनाना है, जिसमें चेरो खेरवार के साथ साथ दबे कुचले जो कमजोर जाति के लोग हैं जो अपने हक और अधिकार के बारे में अभी तक नहीं समझ पाए हैं, वैसे लोगों को भी हम लोगों को जोड़ना है। परहिया चेर ये जो है परहिया कोरवा बिरजिया ये सारे लोगों को हम लोग को लाना है एक मंच में, ताकि हम लोग एक साथ मिल करके आदिवासियत की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अब हमारे बीच युवा साथी के रूप में यहाँ इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग उपस्थित हैं। सर, आप अपना परिचय के साथ बताइएगा कि आप नौयुवाओं का क्या महत्वपूर्ण भागीदारी होगी इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अंदर। सबसे पहले अखिल भारतीय महासभा आगे इस समाज की ओर से आपको इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आज की बैठक की बात है, हम लोग इससे पहले सहोदय स्कूल में प्रखंड स्तर नहीं जिला स्तरीय हम लोग के समाज का जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम लोगों ने तय किया था कि प्रखंड स्तरीय कमेटी का चयन किया जाएगा, लेकिन आज कुछ कारणों से कुछ साथी उपस्थित नहीं हो सके, तो हम लोग यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी का विचार यही हुआ कि इसका बृहद रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। चूँकि पलामू में लगभग नौ जाति जो आदिवासी से बिलोंग करते हैं, निवास करते हैं, इनमें सभी की भागीदारी, सभी की सहभागिता होनी ज़रूरी है, तभी हम लोग जो हम लोग का सोच है, जो हम लोग का मिशन है, हम लोग उसमें कामयाब हो पाएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी जो यहाँ पर बहुल जाति है सिर्फ उन्हीं का जनसंख्या हो, अगर कोरवा हो, परहिवा हो, चेरो हो, खरवार हो, सभी जाति के लोग को मिलाकर इस प्रखंड का कमेटी का चयन किया जाए, तभी हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में यह पलामू प्रमंडल ही नहीं, हम लोग अब जग रहे हैं और हम लोग का समाज भी जग रहा है। आने वाला दिन में हम लोग विधानसभा में भी अपना प्रत्याशी देकर परचम लहराने का काम करेंगे, चाहे यह विधानसभा आरक्षित क्यों ना हो, आरक्षित नहीं है, अनारक्षित सीट है, लेकिन हम लोग का जनसंख्या इतना है, अगर हम लोग एकजुट हो जाए तो हम लोग यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से मेरा आदिवासी समाज अब जग रहा है, उससे हमको आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि अब हम लोग, वो दिन दूर नहीं कि लोग, हम दूसरे के पास जा रहे थे, वो दिन दूर नहीं कि अब लोग हम लोग के पास आएंगे, जिस तरह हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि युवाओं को खासकर आगे आने की ज़रूरत है और जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं सभी को आगे आने की ज़रूरत है,
क्या अगली बैठक में इस महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित होंगे? हम लोग का प्रयास रहेगा, हम लोग प्रयास करेंगे, सर से बात करेंगे अगर उनके पास समय होगा, चूँकि उनका व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे, बात करेंगे, अगर उनके पास समय होगा तो ज़रूर अगले बैठक में उपस्थित होंगे। और जहाँ तक बात रही युवाओं का, तो अगले बैठक में जो हम लोग अभी डेट निश्चित नहीं हुआ है, अगर डेट निश्चित हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से अभी प्रचार प्रसार कर दीजिएगा। और जहाँ तक बात युवा का, युवा साथी का एक हुजूम उमड़ेगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बैठक में महिलाएं भी उपस्थित हों, चूँकि कोई भी कार्य करने के लिए जब तक महिलाओं की सहभागिता नहीं होगी, हम लोग नहीं समझते हैं कि कोई कार्य सफल हो पाएगा। तो इसीलिए अगले बैठक में हम समझते हैं कि युवा साथी के साथ साथ महिलाएं भी यहां उपस्थित होंगी, हमारे गार्जियन, अभिभावक, जितने भी हमारे सभी समाज के लोग हैं, प्रयास किया जाएगा कि हम लोग सभी उपस्थित होंगे। और अगले बैठक में निश्चित रूप से आपको कमेटी का विस्तार करके हम लोग एक कमेटी का विस्तार कर ही देंगे, चूँकि अब समय हम लोग के पास नहीं है। और जब कमेटी का विस्तार हो जाएगा तो बृहद रूप से आपको बता भी दिया जाएगा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और लोग भी जानेंगे। और हम आपसे यही आग्रह और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे समाज के लोग जागरूक हों। और जिनको अगर इस न्यूज़ के माध्यम से भी पता चले, अगर कोई लोग उनको कह नहीं पाए कि हमारे फलाने दिन को बैठक है, अगर इस आपके न्यूज़ के माध्यम से भी अगर वो देख रहे हैं, हमको सुन पा रहे हो, तो उन तमाम लोगों से मैं आग्रह करूँगा, प्रार्थना निवेदन करूँगा कि वो लगभग अगले हम समोता समझते हैं कि संडे को बैठक रखा जाएगा 25 तारीख को, उस बैठक में अगर इस न्यूज़ के माध्यम से भी सुन रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से मैं यही आग्रह निवेदन करूँगा कि आएँ और आगे का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़ में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक की एक विशेष प्रस्तुति। और मैं आप हैं, चलिए हमारे बीच उपस्थित हैं, हम लोग जाएँ कब? हाँ, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के एक और सदस्य, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आपकी इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा में क्या भूमिका रहेगी इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के फाउंडर जो हैं उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, और जो भी इसमें सदस्यगण हैं जो इस मंच को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं वैसे साथी को भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस मंच के माध्यम से मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जो कि मैं गाँव घर में जा करके एक कमेटी का गठन करके और सभी गांव टोला मुहाला में जा करके बताने का प्रयास करूंगा, और जो भी आदिवासी हैं सभी को बताऊंगा कि हम लोग एक मंच पर आ करके, चाहे तो हम सामाजिक विकास करेंगे, राजनीतिक विकास करेंगे, राजनीतिक में भी हम लोग भाग लेंगे और हमारे जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। और कहा जाता है कि एकता में बल है, अगर हम लोग एक एक अनेकों जगह पर, हम लोग सभी आदिवासी लोग खंडित हैं, लेकिन अगर एक जगह पे, अगर इस प्लामों की धरती पर अगर एक हो जाते हैं तो किसी भी काम को हम लोग करने में संभव हो पाएंगे। तो थैंक यू, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लगातार हमारे वीडियो को देखें और हमारे न्यूज़ चैनल के बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।